उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की एक टिप्पणी महिलाओं की फटी जींस को लेकर और उस बयान के बाद हंगामा मच गया। सीएम की पत्नी रश्मि ने अब रिएक्ट किया है। रश्मि त्यागी रावत, उनका कहना है कि तमाम पार्टियों से जुड़े नेता उनके पति की कही बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये राजनीति हो रही है उनके बयान को गलत तरीके से पेश करके, और साथ ही रश्मि ने अपनी अपने पति यानी कि सीएम तीरथ सिंह रावत का बचाव करते हुए कहा कि उनकी सोच महिलाओं को लेकर और महिलाओं के परिधान को लेकर गलत नहीं है। उनकी सोच अत्याधुनिक है, वो आधुनिक सोच वाले व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से बचाव जरूर कर रही हैं रश्मि त्यागी रावत, लेकिन बवाल जरूर पूरे देश में मच गया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की महिलाओं की फटी जींस वाले बयान पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। तीरथ पर उन्होंने निशाना साधा है कांग्रेस नेताओं ने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी तीरथ सिंह रावत पर पलटवार किया। हरीश रावत ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री महिलाओं की फटी जींस और जींस पहनने पर नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, ये नया जमाना है, आप तो प्रधानमंत्री को भगवान राम बताते हैं, थोड़ा उत्तराखंड पर भी ध्यान दीजिए। अभी तो आप त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले को ही बदलकर वाहवाही लूटने में लगे हैं, कुछ अपना काम भी कीजिए। तो इस तरीके से कांग्रेस की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है। इस बयान के बाद से ही कांग्रेस को नया हथियार मिल गया है। हमारे नए मुख्यमंत्री महिलाओं की फटी जीन्स पहनने पर या कटी हुई जीन्स पहनने पर बहुत खपा है। मुख्यमंत्री जी, ये नया जमाना है, आपको तो मोदी जी राम नजर आते हैं, कृष्ण नजर आते हैं, और अब आप हमारी बेटियों की जीन्स पहनने पर भी कमेंट करने लग गए हैं। मुझे लगता है कुछ मुंह पका बीमारी तो आप तक नहीं पहुंच गई है। तो उत्तराखंड की तरफ ध्यान दीजिए। अभी तो आप केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले बदल कर कुछ वाई बटोरने के काम में खुद और भाजपाइयों को लगाए हुए हैं। अभी कुछ ऐसा दिखाइए कि उत्तराखंड को लगे कि नया परिवर्तन कुछ विकास की झलक दिखा रहा है। तो बयान को लेकर जब हमला होने लगा सीएम तीरथ सिंह रावत पर, तो उनकी पत्नी उनके बचाव में सामने आ गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।